साल 2017 में जब iVOOMi इंडिया में आया था तो अपने दमदार स्पेसिफिकेशन की वजह से कंपनी ने Xiaomi को टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी एवरेज बिल्ड क्वालिटी और पुअर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से लोगों को कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाया। अब कंपनी फिर से अपना एक और कम दाम में दमदार स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लेके आई है जिसका नाम है iVOOMi i1s। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस बार ये फ़ोन एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, शानदार कैमरा और बेहतरीन फीचर्स से लैस है या फिर एक बार फिर से कहीं खो के रह जाएगा। अब हालांकि ये एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी वाला स्मार्टफोन है जिसका बैक पैनल रिमूवेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगती है। साथ ही साथ इसके फ्रंट में दिया फुल विजन डिस्प्ले आपको इसकी ओर ज़रूर आकर्षित करेगा। यही नहीं, इसके डिस्प्ले में आपको कर्व्ड एजेस मिलेंगे जिस वजह से फ़ोन काफ़ी हद तक सामने से सैमसंग गैलेक्सी S8 की तरह लगता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लुक में जब आप इस फ़ोन को देखेंगे तो आप इसे देखकर ही खरीदने का विचार बना लेंगे। यही नहीं, इसके बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि हमें थोड़ा स्लो लगा और कई बार ये आपकी फिंगर्स को रीड भी नहीं करता है। वहीं डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो 5.45 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने में तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस फ़ोन की ब्राइटनेस, कलर्स और शार्पनेस सब कुछ अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। भले ही इसका कैमरा इसकी स्पेशलिटी है, लेकिन ये एस्पेक्ट हमें थोड़ा कमज़ोर लगा। इस फ़ोन में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा जिसकी शटर स्पीड काफ़ी स्लो है। साथ ही साथ इस फ़ोन से क्लिक की गई पिक्चर्स हमें पसंद नहीं आई, पिक्चर्स को जूम करने पर डिटेलिंग की कमी दिखी, साथ ही साथ काफ़ी ग्रेन्स भी थे। यही नहीं, इसका बोके इफेक्ट भी आपको निराश करेगा क्योंकि ये सिर्फ चेहरे को छोड़कर हर जगह ब्लर कर देता है। हालांकि डे लाइट पिक्चर्स में आपको इतनी परेशानी नहीं दिखेगी। वहीं फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी थोड़ा निराश कर सकता है क्योंकि स्लो होने के साथ साथ पिक्चर्स में कलर्स भी वॉश्ड आउट आते हैं। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इस प्राइस रेंज में रेडमी 4 और इनफोकस विजन 3 कैमरा वाइज ज्यादा बेहतर कहलाएंगे। iVOOMi i1s में आपको मिलता है मीडियाटेक का 673 चिपसेट जो कि अपने प्राइस रेंज के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। हालांकि इस प्राइस रेंज में लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनीज आपको यही चिपसेट मुहैया कराती हैं, लेकिन अगर इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलती है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज जो कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के जरिए 128GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। वहीं बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इसमें आप छोटी मोटी गेम्स चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फ़ोन डे टू डे लाइफ में काफ़ी लैग करता है। इनफैक्ट इसमें हमें काफ़ी हीटिंग इशू भी देखने को मिले। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी ने शायद इसका सॉफ्टवेयर ठीक से ऑप्टिमाइज ना किया हो और इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हो। इस फ़ोन में दिया है एंड्रॉयड नोगा जो कि कंपनी ने ट्विक किया हुआ है और इसी वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलती हैं और साथ ही साथ कुछ जेस्चर फीचर्स भी जैसे कि जेस्चर मोशन और स्मार्ट मोशन। वहीं इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसकी 3000 mAh की बैटरी से भी हम थोड़ा सा निराश हुए क्योंकि हमारे वीडियो लूप टेस्ट में सिर्फ 9 घंटे तक ही सर्वाइव कर पाई। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि आधे घंटे की गेमिंग में ये 20% तक ड्रॉप हो जाती है। iVOOMi i1s को देखने के बाद यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अपने 6-7 महीने के अनुभव के बाद भी कंपनी अपने पुराने तरीके पर ही है। भले इसमें आपको कम कीमत पर दमदार स्पेसिफिकेशन मिल रहे हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट इसके कैमरा से भी हम थोड़ा सा निराश हुए। आपको बता दूं कि iVOOMi i1s की कीमत है 7,499 रुपये जिसमें आपको 3GB रैम मॉडल मिलता है। इनफैक्ट इस बजट में आप Xiaomi, स्मार्टफोन और InFocus जैसे फ़ोन्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था iVOOMi i1s का पूरा रिव्यू, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने इस पर कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ अगर आपको इस फ़ोन को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दी गई IT पर जाके मुझसे चैट भी कर सकते हैं। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।